ये तो कूद मार रही है, उड़ती भी जा रही हो। गुड मॉर्निंग यू लवली पीपल, तो कैसी है पब्लिक यार? 10:30 के आसपास हो रहे हैं आई थिंक, मैंने टाइम देखा भी नहीं है। 9:51. और हम जा रहे हैं, हम मतलब मैं, प्रीति, कुहू एंड पापा, और मोहित भी आज हमारे साथ। तो हम जा रहे हैं बगासू महादेव मंदिर है एक, यहाँ मैं पहले भी आया हुआ हूँ। तो ये रेस्ट स्टॉप्स बना रखे हैं अभी बीच में, पहले नहीं थे ये, अभी कुछ टाइम पहले ही बने हैं। तो यहाँ जैसा मैंने बताया, मैं आ रखा हूँ 2-3 बार पहले भी गांव के, एक्चुअली ये बहुत पास में और हमारे ईस्ट देवता का मंदिर है, बट ये है कि गांव से पास में है बहुत। मूड़े गांव करके एक गांव है हमारे गांव से, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे है ये मंदिर, शिव जी का मंदिर है। तो एक वीडियो यहाँ की मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, वो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा। कहाँ आता है आई बटन? इधर आता है आई थिंक, तो इधर क्लिक करके देख सकते हो। ये रास्ते में एक स्कूल पड़ता है, यहाँ इसी स्कूल में मोहित और प्रियांशु जाते हैं, एंड ये सामने दादी लोग भी वहीं जा रहे हैं आई थिंक मंदिर। शहीद राम सिंह परमार स्मृति कक्ष, 14th गढ़वाल राइफल्स, ये है मेन गेट। अच्छा, ये क्लास है मोहित की, तो 10th में ये है ना, 10th A, ये है मोहित की क्लास। और ये सामने आगे एक जगह आएगी, काफ़ी प्लेन सी जगह है, ये मेरे को बड़ी सही लगती है यहाँ ऊपर से देखने में। यहाँ देखो खेत सारे प्लेन 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 से हैं। इधर से दिखाता हूँ, अरे जाना तो हमें, चलो कहीं से भी चले जाओ। ये देखो ये भी सीढ़ी नुमा खेती है, लेकिन ये प्लेन ज़्यादा लगते हैं दूर से देखने में। ये हमारी मैडम, हमारी हाई कमांड। एक जगह है जहां से पानी आता है, ठीक है, तो वहां से शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए जल भरना होता है। तो मैं ये लोटा लाया हूँ, इसमें भरूंगा जल। प्रीति के पास एक दूध की डोलची टाइप में है, तो उसमें भी भरेंगे। एंड यहाँ से मुंह हाथ धोना होता है, मतलब एक तरीके से आई थिंक बहुत पहले के लोग तो इधर नहा के जाते थे, लेकिन अब लोग बस मुंह हाथ धोते हैं, हाथ पैर धोते हैं, एंड फिर पानी भरते हैं यहाँ से शिवलिंग के लिए, एंड देन फिर ऊपर मंदिर में जाके अपनी पूजा वगैरह करते हैं एंड ये जल चढ़ाते हैं। तो आज मंडे है, लेकिन आज भीड़ नहीं है ज़्यादा यहाँ पे, तो हमारे अलावा कोई नहीं है, खाली है। वो है मगर सामने, वो पानी की धार आ रही है, लेकिन सावन के टाइम पे यहाँ इतनी भीड़ होती है ना, सावन के सोमवार जब होते हैं बहुत भीड़ होती है। ये है वो धार। ओम नमः शिवाय। मंदिर है, इधर आए थे बगासू से आने के बाद, इधर आए थे, इधर भी पूजा कर ली, अब जा रहे हैं घर। कू चली गई, पापा नीचे ही रुक गए थे, पापा को कुछ काम था नीचे दुकान में, पापा नीचे ही रुक गए थे, तो हम ही आए थे ऊपर, बस मैं, प्रीति और कोहू। कोहू को अभी फिर मम्मी आके ले गई, धूप अब गई है, बाकी बहुत तेज़ धूप थी, पसीने पसीने में, टी शर्ट देखो कितनी गीली हो गई। और दीदी जिया जी भी चले गए हैं आई थिंक, हाँ चले गए, वो लोग आगे हर्षिल गए हैं, हम भी वहीं जाएंगे लेकिन कल, उन लोगों को भी जाना था, हम लोग साथ में निकल जाते लेकिन हमें आज यहाँ जाना था, तो उन्होंने कहा आज का दिन वेस्ट हो जाएगा हमारा, हम आज निकल जाते हैं, तुम लोग कल निकल जाना। तो अब हम कल निकलेंगे, और अभी एक जगह और जाना है, वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। दिन के 2 बज रहे हैं और अब धूप चली गई, बादल आ गए हैं ऊपर। इधर मम्मी धो रही है कपड़े, फुल देसी स्टाइल, यहाँ कोई मशीन वशीन नहीं है, तो भाई साहब हाथ से ही धुलते हैं कपड़े। तो
धूप जाने के बाद ठीक हो गया, वरना वैसे टाइम है धूप जाने का 5:30 के आसपास जाती है ना यहाँ से धूप। हाँ 5:30 के आसपास यहाँ से धूप जाती है। अभी हवा भी चलने लग गई है, बादल आ गए हैं ऊपर तो धूप पूरी चली गई है। अब ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है, अब सही लग रहा है ना, वरना धूप में तो घर से बाहर निकल ही नहीं रहा, कोई नहीं निकल रहा। अच्छा मौसम लगता है धूप में, ऐसा सुनसान सा लगता है गाँव। यहाँ ऊपर से देखो ना तो घर तो काफी दिखते हैं लेकिन लोग नहीं दिखते हैं बाहर। बारिश भी हो सकती है शाम को, ऐसी रहेगा। कपड़े धो रहे हो आप? अच्छे से धोना, साफ साफ होने चाहिए, ठीक है। कपड़े धो रहे हो अपना मुंह धो रहे हो? आज पूरी फैमिली कपड़े धो रही है, मतलब मैंने नहीं धोए, मम्मी ने प्रीति ने धोए, मैंने यहाँ पे डालने में हेल्प करी है, बहुत 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 बड़ी हेल्प करी है मैंने। बाकी मौसम अभी भी मस्त हो रखा है, धूप चली गई है। ये देखो ये गाना गा रही है, गढ़वाली गाना। फिर से गाओ। बस और छोरी चंद्रा। 6:10 हैं और आज का हमारा दूसरे मंदिर का ट्रिप स्टार्ट हुआ है। किलीखाल जा रहे हैं, वहाँ रति देवता का मंदिर है, उधर जा रहे हैं। 16-17 किलोमीटर है यहाँ से, आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। वही पापा मम्मी कुहू मैं एंड प्रीति। अभी मम्मी भी जा रही है, तो आज का अपना ये दूसरा मंदिर है। चले कुकु, आर यू रेडी? मम्मी तो जेल की कैसे हो। मम्मी दोनों साइड से गाड़ी जैसे जैसे मुड़ रही है ना टर्न्स पे, तो इधर से प्रीति को दबा रही है, इधर बेचारा मोहित बैठा है उसको दबा रही है। ये इधर है ऊपर मंदिर, ये स्कूल है बाल विद्या पब्लिक स्कूल, इधर चल रहा है वॉलीबॉल, यहाँ पे उतारने हैं जूते, इधर से धोना हाथ मुंह। चल भाई शुरू हो जा। व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ से, एंड उधर सामने आई थिंक आग लग गई है। हाँ उधर सामने आग लग गई है यार, ये देखो। पहुँच गए वापस गांव, पापा पीछे, आइसक्रीम लिए सबने। टाइम हो रहा है अभी 7:50, अब पहुँचे हम घर, और वो भी सिर्फ मैं पहुँचा हूँ अभी। मम्मी प्रीति कुहू ये रास्ते में है नीचे, ये जो सामने मंदिर है ना शेरावाली माँ का मंदिर है, तो वहाँ पे वो रुके हुए। पापा तो और नीचे हैं, उनको रोड पे ही वो गाड़ी पार्क कर रहे थे, उनको उनके दोस्त मिल गए तो वो वहीं बैठे हुए हैं नीचे, वो आएंगे अभी थोड़ी देर में। मम्मी आ गई, मम्मी की हालत ख़राब हो गई। लाओ चाबी दो, मैं खोलता हूँ। प्रीति आ रही है कुहू को लेके। कौन सी चाबी है यार, एक तो ये फ्लैश पड़ता है ना रात को आँख में, कुछ दिखता नहीं है, लकी गैस होता है कि नहीं। किचन की लाइट जल रही है, अंदर मंदिर की लाइट जल रही है। ये कपड़ों का स्टैंड हम अंदर करके चले गए थे, अच्छा हुआ क्योंकि आई थिंक हल्की हल्की बारिश आई है। घर के अंदर आते ही गर्मी लग रही है, बाहर तो मौसम ठंडा है ठीक है, लेकिन घर के अंदर जैसी आए गरम गरम फील हो रहा है। प्रीति कहाँ रह गई? ये आ रही हमारी दोनों मैडम, एक ड्रामेबाज मैडम। हाँ दोनों ही ड्रामेबाज हो यार। 10 बज रहे हैं अभी रात के और मैं बाहर बैठा हूँ, मौसम अच्छा हो रखा है, ऊपर बादल है, तारे नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, हल्की हल्की चल रही है हवा ठंडी ठंडी, और डिनर अभी तक नहीं किया एक्चुअली, इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ। बन गया ऑलमोस्ट, बन गया खाना, बनने वाला है ना प्रीति? बोल रही होगी हाँ बनने वाला है, खाने के लिए आ गए, बना मैं रही हूँ। है ना कुकु, आप क्या कर रहे हो यहाँ? आप क्यों रोते रहते हो, इतनी क्यों जिद करते हो आप बताओ? मैं क्योंकि ये मांग, चल किसी का दो एक पापा को, फिर मैं नीचे उतार दूंगी।
फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ओके, बहुत भाव बढ़े हुए मैडम के, बहुत ज्यादा।